हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। और फ्रेंड्स, मैं हूँ आज ग्रोथ सेंटर नंगलिया। ये पूरा वर्किंग एरिया है, ग्रोथ सेंटर के नाम से है ये। ये नंगलिया में है और डिस्ट्रिक्ट लगती है हमारी मुरादाबाद। तो आज फ्रेंड्स मैं यहाँ पर हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा एकदम इंडस्ट्रियल एरिया है ये। यहाँ पर पूरा वर्क चलता है, आइटम बनते हैं एक्सपोर्ट लाइन के, जो हमारी कंट्रीज़ होती हैं बाहर उनके आइटम बनते हैं, वहाँ जो है एक्सपोर्ट होते हैं वो आइटम, फैशनेबल आइटम होते हैं वो। फ्रेंड्स मैं हूँ इस टाइम यहाँ पर और अब मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी। आज हमारा एग्ज़ाम है ना, सिटी एग्ज़ाम, वही देने के लिए जा रहा हूँ मैं। तो रास्ते में मुझे लगा थोड़ा ब्लॉग शूट कर लेते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा एकदम, आप मेरे पीछे देख सकते हैं वहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी है वहाँ पर सामने, और मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं ये फुआरा है। और ये जो रोड जा रहा है ना इधर, इस रोड से हम डिंगरपुर नरकी यहाँ जा सकते हैं, और ये वाला रोड जो जा रहा है सीधा पाक बड़ा जा रहा है। तो फ्रेंड्स आज हमारा एग्ज़ाम है, मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी, थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लिया मैंने आपके लिए। आज हमारा फार्माकोलॉजी का एग्ज़ाम है। बस तो आती है हमारी 9:10 पर आती है, लेकिन अभी टाइम हो रहा है 11:15 हो रहे हैं, तो बाइक से जाना पड़ता। तो ये खड़ी है हमारी बाइक, आप लोग देख सकते हैं ये फुआरा है। नाइट में यहाँ का बहुत अच्छा व्यू लगता है, बहुत अच्छा। रात को पूरा एकदम लाइट जलती है ना, बहुत अच्छा व्यू लगता है रात का। ये सामने आप देख सकते हैं प्रशासनिक भवन परिसर, यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है अंदर जाने के बाद। और आप देख सकते हैं ये पूरा वर्किंग एरिया है, यहाँ पर अंदर जो है बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर काम चलता है एक्सपोर्ट लाइन का। तो गाइज़ हमारा एग्ज़ाम 2:50 से है, तो अभी मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ और आपको भी साथ में लेकर चलता हूँ। तो ब्लॉग को प्लीज़ स्किप मत करना और पूरे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना। आज मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी का पूरा एकदम से टूर कराऊंगा, पूरी यूनिवर्सिटी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना, और अगर मेरे ब्लॉग आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो यार। आप लोगों को थोड़ा सा सिनेमेटिक शॉट दिखाने हैं, फिर उसके बाद में हम चलते हैं यूनिवर्सिटी। प्लीज़ ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना। Nothing ever tries to change, even if I want to realize. और कर दी हमने अपनी बाइक पार्क और चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर। ठीक है दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं यूनिवर्सिटी और हमारे ये भाई मिले हैं गुल हसन, जिगर का टुकड़ा है अपना, यूनिवर्सिटी के अंदर। और आप लोगों को अपना दिखाते हैं कैंटीन। भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है भाई, सिटी है ना, सभी लोग आने हैं। ये देखो गुल हसन है हमारा भाई, फेस काउंटर पे भीड़ और आपको दिखाते हैं हम। सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज हेयर गुल हसन एंड माय ब्रदर निजाम। तो गाइज अभी आप अगर लोग यूट्यूब देख रहे हो, उनकी वीडियो देख रहे हो, तो उनका चैनल जो है सब्सक्राइब करो, आप सपोर्ट करो यार भाई को। हमारे फ्रेंड्स जो हमको मिल चुके हैं, ये है हमारे नईम भाई, क्लासमेट ये यासिर पाशा, स्कॉलरशिप आई है नईम की, ये हमें पार्टी देने के लिए जा रहा है। ये देखो पैसे स्कॉलरशिप आई है इसकी लौंडे की, और ये हमें पार्टी देगा। कहाँ पर देगा पार्टी? हॉलीडे में। ओ भाई मौज काट दी भाई, और हमारा तो इतना मद्दा कट रहा भाई, एक रुपया नहीं आया स्कॉलरशिप का। और ये मेहताब भाई की भी आ गई है शायद, आपकी कितनी आई मेहताब भाई? फीस के पैसे जाते हैं ना, ये देखो नहीं भाई, फीस के पैसे जाते हैं ना, बहुत दुख होता है भाई। आराम से, ये देखो नहीं भाई के पैसे।
हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एवरीवन। गाइस कैसे हो आप सब लोग? मैं हूं निजाम। थोड़ा खुल के बोलने दे एकदम। बोलो बोलो, बहुत आराम आराम से बोलो। हम यहां पर आए एफटीएम से पेपर देने, हमारे 50,000 जमा होने के बाद की हमें फीस जमा करनी थी हमारे कुछ फ्रेंड्स को, उन्होंने कर दिया फीस जमा और अब हम जा रहे हैं कहीं बाहर, देखते हैं। 2:50 पे हमारा एग्ज़ाम है, शायद 2:30 पे, तो तब तक जो है हम थोड़ा देखते हैं, टाइम को पास करते हैं। गाइस ये देखो, ये हमारे सारे फ्रेंड्स हैं, मिस्टर अरजान, अरकान। गाइस देखिए, ये पीछे फीस काउंटर है हमारा, यहाँ पर हमारे सारे पैसे जो है जाते हैं। हैं आप, ये हमारी यूनिवर्सिटी में बस ग्राउंड है, यहाँ पर सारी बसें खड़ी हैं, पूरी लाइन से। ये देखिए फ्रेंड्स, देख सकते हैं पीछे, ये पूरा कार पार्किंग एरिया है। ये है हमारी यूनिवर्सिटी का गेट। तो गाइस सामने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक तो ऐसे ही हमें बराबर ही घूमना पड़ेगा। आप देख सकते हैं पीछे गाइस, हमारा ये डिपार्टमेंट है और एकदम शांत एरिया है, और ये हमारे मेहताब भाई हैं। गाइस आप लोग देख सकते हैं सामने, ये म्यूजियम है, यहाँ पर सिरप और कुछ मेडिसिन रखी हैं और पिक्चर्स। तो हम आ चुके हैं अपने डिपार्टमेंट के अंदर, और हमारे फ्रेंड्स भी, फ्रेंड्स अपने डिपार्टमेंट को हम जीनियस भी आ सकते हैं, और हमारे डिपार्टमेंट में लिफ्ट भी अवेलेबल है, हम चाहें तो लिफ्ट से भी नीचे जा सकते हैं। हमारा दोस्त ये दीपक भी हमें मिल गया है, तो हमें इसका इंतज़ार हो रहा था बहुत बेसब्री से, तो ये काफ़ी टाइम के बाद इतनी लेट क्यों आया है? यहाँ पर होने वाला है हमारा स्टडी, ये हमारा क्लास है, क्लासरूम जहाँ पर स्टडी होने वाला है, वो सारे फ्रेंड्स हमारे मिल गए हैं, देख सकते हैं हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, ये कितनी मेहनत में लगे हुए हैं, ये सामने देख सकते हैं। मेहताब भाई भी पढ़ाई कर रहे हैं, और जितने कहीं फोन निकल रहे हैं ना, सारे स्टडी कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम की। हमारा एग्ज़ाम टाइम अनकरीब है, एग्ज़ाम होने वाला है बस, एग्ज़ाम के बाद, तब तक के लिए। तो गाइज हमारे क्लास के टॉपर मिस्टर फाइनली दोस्तों दोपहर के बज चुके हैं 4, और हमारा एग्ज़ाम जो है ख़त्म हो चुका है, हम निकले हैं अभी एग्ज़ाम रूम से। ये देखिए जनाब, और हमारा फ़ोन जो है जब कर लिया गया था, और हमारा एग्जाम जो हो गया है। नहीं मैं नहीं भाई, बताइए आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ आज का? जिंदा जिंदी मतलब जिसे बोलते हैं। फ्रेंड्स सामने देख सकते हो आप, ये डिस्पेंसरी है, यहाँ पर मेडिसिन मिल। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारी छुट्टी हो चुकी है, और हम चलेंगे घर। अब आपसे लेते हैं अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।